यार तू लटका के झटका के चलती है भटका के ध्यान मेरा तेरे इस चलने पे मैंने कुछ लिखा है पब्लिक को दे दूंगा ज्ञान तेरा। दोस्तों इंडिया में अभी हैशटैग जेसीबी खुदाई बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है, सारे सोशल मीडिया पर यही छाया हुआ है जेसीबी की खुदाई। तो अगर इसके बारे में पूरा जानना चाहते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। मैं उन्नीर शर्मा एंड यू आर वॉचिंग सीख और समझो यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जी हाँ दोस्तों, इंडिया में कोई भी वीडियो कैसा भी वीडियो जो है वायरल हो सकता है और हुआ भी है। ये तब से चालू है सिलसिला जब से जियो लेकर आया है फ्री इंटरनेट और सस्ते में इंटरनेट, तो तब से जो है कुछ भी वायरल हो रहा है। जैसे कि आपको याद होगा तो सबसे पहले ढिंचक पूजा, उसके बाद जो है चाय पी लो फ्रेंड्स, आँख मारने वाली लड़की, ओम प्रकाश मिश्रा के गाने, बोलना आंटी आऊँ क्या। वैसे ही अगर हम बात करें तो डब्बू अंकल का डांस, ऐसे बहुत सारे वीडियोज जो वायरल हुए हैं। आरसीबी की मैच देखने वाली लड़की जो कि उसको खुद को भी अंदाजा नहीं था उसके फॉलोअर्स कितने बढ़ गए, वायरल हो गए। तो इस तरह से कुछ भी इंडिया में वायरल हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऐसे ही अभी चल रहा हैशटैग जेसीबी की खुदाई। तो ये क्यों वायरल हो रहा है, इस पर अगर हम शुरुआत से नज़र डालना चाहें तो बोला जा रहा है कि किसी नेता ने चुनाव के टाइम बोल दिया था कि अगर कोई काम नहीं है तो जाओ जेसीबी खुदाई देखो, क्योंकि आप जानते ही होंगे कि इंडिया में अगर कुछ काम वाम नहीं है तो जेसीबी की भी खुदाई हो रही हो तो वहाँ पे भी भीड़ लग जाता है देखने के लिए। इंडिया में बहुत सारी चीज़ों के लिए भीड़ लगती है, लेकिन दो चीज़ों में भीड़ लगना एकदम ज़रूरी है, एक है लड़ाई और दूसरी है जेसीबी की खुदाई। तो इसलिए एक वायरल कारण माना जा रहा है। दूसरा कारण ये है कि सनी लियोनी, जिसे आप जानते हैं, उन्होंने जेसीबी के साथ फ़ोटो क्लिक करके अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर दिया था, जिस वजह से ये और भी ज़्यादा ट्रेंड करने लग गया और वायरल हो गया। हम बता दें कि 2017 में सबसे ज़्यादा गूगल इंडिया पर सर्च की जाने वाली सेलिब्रिटी सनी लियोनी थी। तो एक ये भी कारण माना जा रहा है। और जेसीबी के वीडियोस पे मैंने देखा है कि 40 से 50 लाख व्यूज़ तक भी आए हैं। इस पर बहुत सारे मीम्स भर रहे हैं और अगर देखा जाए तो ये मीम्स भी काफ़ी वायरल कर रहे हैं इसको सारे सोशल मीडिया पे। तो सारे लोग इस पर वीडियो बना रहे हैं, अब मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, बहती हुई गंगा में मैं भी हाथ धो लूँ, कुछ व्यूज़ आ जाए तो क्या गलत है। इंडिया में लगभग 200 करोड़ की आबादी हो चुकी होगी और सारे जो है इंटरनेट यूज़ करते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल के पास फ़ोन है, बहुत सारे लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं। तो इसमें जो है ये कोई भी वीडियो वायरल हो सकता है, अगर वो वीडियो किसी को पसंद आता है, लगातार लोगों को पसंद आता है, लगातार शेयरिंग होती है तो वो वायरल हो जाता है। तो इसमें कारण ढूंढने वाली बात है, कैसे वायरल हुआ, क्यों हुआ, ये अपन समझ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जो वीडियो कैची होता है, मज़ा आता है शेयर करने में, लोगों को दिखाने में, अपने फ्रेंड्स को फैमिली को दिखाना चाहते हैं और वो वीडियो वायरल हो जाता है। तो मैं बता दूं कि ये वीडियो वायरल हो चला है, इस पिछले हफ्ते से वायरल हो रहा है। अगर बात होना चाहिए, अगर वीडियो वर्ल्ड कप क्रिकेट 2019 की बात होती तो भी समझ में आता। अभी अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इसलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, नया कैबिनेट मंत्री बने हैं, नए कैबिनेट मंत्री आए हैं, तो इस टाइप की वीडियो अगर वायरल होते तो समझ में भी आता। लेकिन वायरल क्या हो रहा है, हैशटैग जेसीबी की खुदाई। तो समझ लीजिए कि इंडिया में कुछ भी वायरल हो सकता है और लोग यही सोच रहे हैं कि क्यों ये वायरल हो रहा है। तो इसका कोई स्पेसिफिक कारण तो नहीं है, ये कुछ कारण हो सकते हैं जिसको मैंने भी सर्च करके आप लोगों को बताया है। तो बस अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और अपने नए फ्रेंड्स को बोलें और ख़ुद भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर, और उसके साथ साथ इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि लास्ट टाइम हमने जेसीबी खुदाई कहाँ देखी थी। मैंने लास्ट टाइम होली क्रॉस स्कूल में जेसीबी खुदाई होते हुए देखा था, आप कहाँ पर लास्ट टाइम जेसीबी खुदाई देखी, ज़रूर कमेंट करके बताएं। और बस इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़। दिस इज नीरज शर्मा साइनिंग आउट, बाय बाय।